सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और जतिन का ब्लॉग आज मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो यहाँ पे मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें यहाँ पे मैंने चावल लगाए हैं और ये कलर आप देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने फूड कलर डाला है ताकि राइस में भी थोड़ा थोड़ा हल्का सा ये कलर आ जाए। और इसमें मैंने नमक डाला है, छोटी इलायची डाली है खुशबू के लिए। और जब ये पक जाएगी फिर मैं इसको निटोड़ दूँगी, उसके बाद हम इसमें जो है तड़का लगाएंगे। तो राइस बन चुके हैं और जो वेजीज रखनी थी हमने काट के वो भी मैंने रख ली है सारी सब्जियां। तो मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये है। यहाँ पे बीन्स और ये टोफू मैंने डालना था बट मैंने ये अवॉइड कर दिया। मैंने सोचा चलो इसकी हम कल रेसिपी अलग से शूट करेंगे। और यहाँ पे मटर पक रहे हैं हमारे, क्योंकि मटर को अलग से पकाना ज़रूरी है। पक रहे हैं ऑलमोस्ट। हमारे राइस जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कलर की वजह से इसका रंग जो है ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब जब राइस बनेंगे ना तो फिर ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये सारा अब हम तड़का लगाएंगे। आपका कुछ खाने का मन था इतने दिन से? सो गाइस, जतिन का कुछ दिन से कुछ खाने का मन था। मेरे को कह रहे थे कि मेरे को कुछ अच्छा सा खाने का दिल है, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए फ्राइड राइस बना देते हैं। आप कल सुबह भी कह रहे थे कि मेरे को यार फ्राइड राइस खाने का मन है, तो मैंने बना लिया है। चलो देखो, आओ ना, पता नहीं आपको कैसे लगे ये। ओ भाई, शक्ल तो बड़ी सही लग रही है। डालो, टाइम वेस्ट ना करो, जल्दी डालो, पेट पूजा करे। लो भाई, अरे क्या एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। सच बताना, डुबकी वजह से नहीं बनाया। सच बताओ, बहुत बढ़िया स्पाइसी है। मेरे मतलब का आपके लिए एक और चीज बनाई है, दिखाओ। आजकल हम मास्टर शेफ बने हुए हैं, ठीक है? ये मम्मा ने बनाई। सरप्राइजेस मिल रहे हैं, सरप्राइजेस में आपके लिए। क्या है? गजरेला? नहीं, सोचो क्या होगा। पता नहीं, मीठे में, नमकीन में, तीखे में, पता नहीं। खुशबू से पहचानो। मिर्चा तो नहीं दे रही। खुशबू में पहचानो। मेरी कुत्ते ही नक लगी है। खुशबू में पहचानो। अरे पता नहीं, दिखा दे क्या है। अचार है, अदरक और मिर्च का अचार। अगर गाइस रेसिपी जाननी है ना तो मैं स्पेशल बना लूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। बड़े सिंपल है, बहुत मम्मा ने बनाया ये अचार। कल खाएगी इसको साग के साथ। मैं क्या, शायद अभी फ्राइड राइस खिलाएं, कुछ मीठा मूठा खिला बनाया होगा वो खिलाएंगे। पेठा दो। हाँ, पेठा ले आओ। रात के 1 बज गए गाइस और हम दोनों मियाँ बीवी को जो है मैगी की क्रेविंग हो रही है। भाई निधि निकाल के सामान सुन कह रही आज आप मेरे को मैगी बना के खिलाओ। तो पहली बार मैं निधि को अपने हाथों से मैगी बना के खिलाऊंगा। एक पैकेट ही निकालना क्योंकि इतनी भूख भी नहीं है, बस जस्ट क्रेविंग हुई कि मैगी खानी है। और काफी दिनों बाद मैगी खाएंगे। ये कौन सी निकाल रहे हो भाई? ये मैगी थोड़ी ना, ये चिंग्स का निकाल रहे हैं। चलो ये बनाते हैं। ये बनाते कैसे? मेरे को नहीं आती है। सिंपल पानी जैसे उबाल के बनाते हैं। पहले गाइस मैंने तो चावल खा लिए थोड़े से निकाल के। इन्होंने मेरे को बोला कि मैगी नहीं खानी है, तो मैंने थोड़ी सी राइस खा ली। बिकॉज यार मैगी अनहेल्दी होती है, तो मैंने तो बिल्कुल ही बंद कर रखी है मैगी खाना, लेकिन अभी क्रेविंग हो रही है थोड़ी, तो कभी कभार चलता है। मैं लगभग मेरे ख्याल से 1 महीने बाद खा रहा हूँ मैगी। तो कैसा लग रहा है रात के 1 बजे आपका जो पति है आपको मैगी बना के खिला रहा है? वो तो खाने के बाद ही बताऊंगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं। डाल दो ना, ऐसे ही डाल दो, बस ज़्यादा मत तोड़ो यार, फिर अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा तो पानी हो गया, गैस हमने फ्राई पैन में ही बना रहे क्योंकि दूसरे बर्तनों में ना रखा हुआ है सब्जी वगैरह फ्रिज में। भाई पानी ज़्यादा डल गया, डुबू तो निकाल देता हूँ, दिखाते करके ध्यान से और निकाल दो। थोड़ी टाइट टाइट अच्छी लगती है ना, मेरे को सूपी नूडल नहीं पसंद। वही मैंने भी खानी है, आधी आधी है। कहते हैं कि मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। अच्छा तो इसी मैंने आज क्या कांड किया यार, ये देखो मत दिखा यार, ये देखो क्या कांड किया। पता क्या हुआ, नॉर्मली बीएड कराने जाते हैं तो यहाँ से लगाना होता है ना कट्टा वगैरह, तो मैं 3-4 दिन बाद मेरे ना यहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं बाहर को, तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ। मैं आज भी, मैं हर बार लगाता हूँ, तो आज भी लगाने लग गया। वो ऐसे लगा रहा था, ट्रिमर से लगाता हूँ, तो ट्रिमर से ऐसे लगा रहा था, 1 मिनट थोड़ा दूर तो कर, तो ट्रिमर से लगा रहा था। पता क्या, वो हाथ एकदम से ऐसे हो गया, सारी कट गई यहाँ पे यार। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो कहीं जाने लायक ही नहीं रहा, और जब तक ये इसको वापस आने में भी 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, कम ज्यादा लगेंगे, और 5-6 दिन तक मैं कहीं जा नहीं सकता। देख लो, वैसे किसी ने नोटिस नहीं करा, बाजार भी जाया, दोस्तों से मिला। अगले ने बताना थोड़ी है तुम्हें, फिर भी नहीं यार दोस्तों बता ही देते हैं। जब इन्होंने दिखाया ना, बोले ये उड़ गया यहाँ से। मैं बड़े आराम से मैं कहा यार कांड हो गया। कह रही क्या हुआ? मैं कहा ये देख क्या हुआ। मैं कहा अगर मैं तेरे को नहीं बताता ना तो तेरे को पता भी नहीं लगना था। ये बात भी सच है, इसको पता नहीं लगना था। डुगू मेरे को पता लग गया था, मैंने देख लिया था जब यहाँ पे ये पोर्शन उड़ा हुआ था ना, मैंने पहले ही देख लिया। कुछ तो करा है इसने। तेरे से तो अच्छा है ना, तूने तो जे बना दिया था लॉकडाउन में। लॉकडाउन में बनाया था, कब बनाया? लॉकडाउन में आपकी दाढ़ी पे। ओ भाई लॉकडाउन में उसने दाढ़ी करी, भाई जे बना दिया। एक साइड है, अब डाल दो इसमें मसाला आराम से। मेरे पता कितने लगते हैं ऐसे दिन भर में। ये मैंने खाई नहीं है कभी यार। नमक डालो थोड़ा सा, कम तो नहीं यार, फिर भी पानी कितना है डूबू, मैंने बोला था ना आपको। अरे सूखेगा, रुको तो जाओ। बॉयल कहाँ हुई है? ये देख कच्ची पड़ी है अभी, बॉयल तो होने दे। चम्मच फेरने छोड़ दो अब, ये सबूत है ना कि मैंने बनाई है। सबूत वैसे भी पता लगी कि बाबू आप बना रहे हो। शेफ जतिन के साथ रात के 1 बजे मैगी खाते हुए। अगर आपको मेरी कुकिंग वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम और कुकिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। और हाँ, मैगी बनाना बहुत ही इजी है। फ्राई पैन में पैन लिया, बस करो यार, बस पैन में पानी लिया। अरे सुन, तो पैन में पानी लिया, उसको बॉईल किया, मैगी डाल दी, उसको उबलने दिया, फिर इसमें जो एक मसाला होता है वो डाला, एंड उसके बाद हिलाए जाओ गिरी ना जाए। और गाइस देखो तो यार इतना सूप, मैंने अभी भी बोला डुगू मेरे को नहीं सूपी नूडल्स पसंद। तुम्हें ऐसा करना, बात सुनो, तुम्हें सूपी नूडल पसंद नहीं है ना? नहीं, मैं नूडल्स को ना चूस के छोड़ दूंगा, फिर खा लेना तू। गंदा जोक बना दिया यार। तुम्हें 50 बार बोला है मैंने, मेरे को कुकिंग के लिए मत बोला। जरा एक सेकंड छोड़ो, मुझे देखने दो। बनी गई है ऑलमोस्ट। क्या कह रहा हूँ मगर वो चैलेंज करें। केड़ा चैलेंज? वो जो हमने मंगाए नहीं थे नूडल्स, कोरियन वाले, वो भाई 5 पैकेट थे, पता नहीं 4 पैकेट थे ना। वो उसमें से जो वो सॉस जलती है ना उसके ऊपर, कौन सी रेड कलर वाली होती है ना, वो 5x। भाई साहब ये तो इसका 1 चम्मच में बुरे हाल हो गए थे। और मैंने खाए थे, वो आधी प्लेट खा गया था मगर बड़ा भी होगा 1 पैकेट यार। हाँ, पर यम्मी होता है, पर वो बहुत स्पाइसी होता है। तो यार बस बन गई गाइस। बड़े वाली में डालो, फिर इकट्ठी खा लेंगे। देखो बड़े वाली में डालो। अरे बहुत है, इससे बड़ी क्या चाहिए भाई? सारी डाल दो। सारी डालूंगा। पेट तो मैं ये धोती, सुबह मम्मा ने चाय पीनी होती है ना, आप लेके चलो तब तक मैगी। इसको देखना कैसे सबसे पहले पड़ी खाने को, और अब खुद मुंह बना रही है। अच्छी नहीं है यार, मैं कौन सी खाती थी चिंग्स के? नहीं अच्छे। तुमने ये क्या मंगवाए हैं? क्या हुआ? ये वाली नहीं खाती थी मैं, भूल गई मैं कौन सी खाती थी। मोटर भी लगाई है पानी नहीं है। तो निधि को तो ये पसंद नहीं आई। अब मैं ट्राई करता हूँ कि कैसी है, देखता हूँ। नहीं आएगी। जो मैं बनाती थी ना, मैं भूल गई डुगू, मैं कौन सी बनाती थी चीज की यार, शायद मैंने गलत, हमने गलत तरीके से बनाई है। नहीं डुगू, मैं बनाती थी ये दूसरी है, सिंगापुर करी है ये, नॉट बैड थी ये, बट Not my type। ये लो क्या खाओ। बाबू नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पसंद आई गई। इतनी मेहनत मेरी 5 मिनट की खराब हो गई। तो मैगी तो स्वाद लगी नहीं हम लोगों को, सेब ही खा लेते हैं। ये कौन सा टाइम है हमारा खाने पीने का, रात को 1 बज रहा है। ये है गाइस आज का हमारा खाने पीने का व्लॉग। कि आप लोग रात को 1 बजे मैगी ना खाओ। क्रेविंग थी रात के 1 बजे मैगी खाने की, लेकिन हमने बनाई वो सिंगापुर करी वाली और बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हेल्दी चीजें खा रहे हैं, आप लोग भी हेल्दी चीजें खाओ। ये मैगी शैगी में कुछ नहीं रखा। अमरूद खाने का मन करने लगा। ये कौन सी क्रेविंग हो रही है रात के 1 बजे, अमरूद खाने का दिल कर रहा है भाई इसका। सोफा चुप करके, नहीं तो अभी थोड़ी देर तक बोलेगी मेरे लिए लीची जामुन सब कुछ ले आओ। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे हैं तो अब कोई कंप्लेंट नहीं होगी मेरे ख्याल से। 1 हफ्ते से रेगुलर ब्लॉग्स हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, लव यू।